तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। काफी शानदार, काफी इंटरेस्टिंग और काफी प्यारा ही आज का डिस्कशन रहने वाला है। अच्छे से वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। आप लोगों को करंट और स्टैटिक एक साथ जानने को मिलेगा, पूरा न्यूज़पेपर कवर करेंगे। आज है 10th of November, तो डिटेल में डिस्कस करूंगा। दो पार्ट में डिवाइड होगा ये डिस्कशन, जिसमें स्टार्टिंग में हम लोग एडिटोरियल देखेंगे और फिर हम लोग न्यूज एनालिसिस डिस्कस करेंगे। तो यानी कि काफी एक इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव डिस्कशन रहने वाला है। पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को लगेगा कि नोट डाउन कर लेना चाहिए, उनको आप लोग नोट डाउन करना, ठीक है। जो एडिटोरियल वगैरह मैं कवर करने वाला हूँ, एक डेटा पॉइंट भी यहाँ पर रहेगा कि पुलिस जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। एक किताब के बारे में हम लोग जानेंगे, शशि थरूर जी की जो किताब है, इंडिया और पाकिस्तान का ये फिशरमैन का इशू क्या है, इसके बारे में काफी डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। समझेंगे कहाँ पर क्या क्या दिक्कत है और क्या क्या प्रॉब्लम आज की डेट में चल रही है, ठीक है। तो पूरा एक टॉपिक आप लोगों का कवर हो जाएगा। वैक्सीनेशन के बारे में जानेंगे, इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है उसके बारे में समझेंगे, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केरला के अंदर भी एक दिक्कत देखने को मिली, जिसमें बेसिकली क्या किया गया कि मुस्लिम कम्युनिटी को अलग से रिजर्वेशन दे दिया, रिजर्वेशन नहीं, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा दी। तो ये क्या मुद्दा है और कोर्ट इस पे क्या बोलता है और ये सही है या फिर गलत है, एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको भी हम लोग काफी अच्छे से समझेंगे। इसी के साथ में FCRA क्या है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल न्यूज में है, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। स्मोक टावर क्या होता है, अटोर्नी जनरल के बारे में हम लोग समझेंगे। स्मोक टावर के बारे में कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा, क्यों यहाँ पर बनाया जाता है। प्रियार रिवर भी रिसेंटली अभी न्यूज में, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसी के साथ में कोलोजियम सिस्टम के बारे में आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा, और इसी के साथ में जो पद्म अवार्ड वगैरह और भी कई सारे मुद्दे हैं, कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि वीडियो के एंड तक काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है, तो अच्छे से बने रहिएगा। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी छठ पूजा, अच्छे से सेलिब्रेट करना, बड़ा ही प्यारा स्वीट सा त्यौहार है यार, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, मिलजुल कर अपनी सेहत का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक कोटेशन है आज की, बात की जा रही है दो चीजें आप लोगों को हमेशा डिफाइन करती है, एक तो आप लोगों का धैर्य पेशेंस, जब आप लोगों के पास में कुछ नहीं है उस टाइम पर आप लोग धैर्य अपना कैसे रखते हैं, और दूसरा आप लोगों का एटीट्यूड जब आप लोगों के पास में सब कुछ है। ये दो चीजें हमेशा एक इंसान को डिफाइन करती है कि इंसान कैसा है, क्योंकि जब इंसान के पास में कुछ नहीं होता है उस टाइम पर भी आप लोगों को एक तरीके से राजा की तरीके से जीना चाहिए। जैसे नहीं कहते बाहुबली मूवी में आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे ये महल में रहे चाहे ये महल के बाहर रहे, ये राजा बनकर ही रहेगा। तो वो इंसान का एक तरीके से एटीट्यूड आप लोगों को देखने को मिलता है कि कैसा है उस टाइम पर सिचुएशन जब खराब है और कैसा है जब सिचुएशन बढ़िया है। तो इस तरीके से हमेशा लाइफ में अपना पॉजिटिव ओरिएंटेशन रखिए, जिंदगी में हमेशा आप लोग आगे बढ़ोगे, तो इस तरीके से जिंदगी को लेकर आप लोगों को चलना है, ठीक है। आज का ये कार्टून मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगा, बेसिकली इसके जो कार्टून के बारे में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, और ये जो केस है ये है लखीमपुर खीरी का केस। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ था, किसान जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और यहाँ पर एक नेता के बेटे के द्वारा गाड़ी चला दी गई थी और कई सारे किसानों की जान चली गई थी। तो किसानों की जो जान गई वो केस पहुंचा कोर्ट के अंदर में, तो उसी केस के ऊपर कई सारे मुद्दे चल रहे हैं। पॉलिटिकल मुद्दा है, ज्यादा इसके अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ पता होना चाहिए चल क्या रहा है। तो मुद्दा भी यही है कि कोर्ट में केस, जो कोर्ट में केस पहुंचा हुआ है और उसी के चलते यहां पर अभी सारी रस्साकसी चल रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को अगर मैं बोलूं कि 40 से 50 शब्द आप लोगों को लिखने हैं, तो आप लोग क्या शब्द वो लिखोगे, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। कई सारे बच्चे देखे डेली रेगुलर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, उनके आंसर आप लोग दिया करो। कई सारे बच्चे काफी अच्छे से एक दूसरे के साथ में जो कोई क्वेश्चन पूछता है उनका रिप्लाई करते हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग के लिए भी कई सारे पोस्ट कर देते हैं। तो अगर आप लोगों को एक प्रोडक्टिव डिस्कशन बनाना है तो आप लोग अच्छे से उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में अपना डेली जो शेड्यूल रहता है प्लान, मॉर्निंग में आप लोगों को क्या करना है और शाम तक आप लोगों को क्या अचीव करना है, वो भी आप लोग लेकर चल सकते हैं। मॉर्निंग में जब वीडियो आती है अपना प्लान लिखेगा कि आज हम लोग को ये अचीव करना है, और शाम को फिर जब नैनो मैगजीन आती है उसके नीचे लिखेगा कि ये चीजें हम लोगों ने अचीव कर ली है। तो इस तरीके से आप लोग पैटर्न फॉलो करके चल सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं, जो कि काफी प्यारे आर्टिकल हैं, पहले देख लेते हैं, और जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे उनके आंसर भी वीडियो के एंड में आप लोगों को जानने को मिलेंगे, तो उसको भी आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर अच्छे से देखा कीजिए। सबसे पहले जो ये साइड वाला आर्टिकल है, काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में भी कुछ लिखने के लिए आ जाता है, तो वहां पर भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो डिटेल में इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये जो दोनों आर्टिकल है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के बारे में, इनको स्किप कर सकते हैं आप लोग, कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग यहां पर अगर स्किप करेंगे तो आप लोग कोई नुकसान देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे यहां पर। ये वाला आर्टिकल इम्यूनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पूरा क्या है हमारे देश में जो आज तक का चल रहा है, और किस तरीके से अभी COVID-19 के लिए हम लोगों को लेकर चलना चाहिए, तो उसके बारे में जानेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। एक किताब लिखी गई है शशि थरूर जी के द्वारा, तो इस किताब के बारे में जानेंगे। किताब के बारे में जानेंगे पर लेकिन खरीदना मत इसको, ठीक है, क्योंकि टाइटल को पढ़ने के लिए भी आप लोगों को डिक्शनरी की जरूरत पड़ेगी, तो पूरी किताब को पढ़ने के लिए
लिए सोचिए क्या करना है। तो अगर आप लोग अपनी वोकैबुलरी ठीक करनी है तो इस किताब को पढ़ लेना, मैं आप लोगों को नीचे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो खरीद लेना किताब को अगर वोकैबुलरी अच्छी करनी है। हाँ, अगर अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मत खरीदना, एग्जाम क्लियर करने के बाद में खरीद लेना। पर हाँ, अगर आप लोग ऐसे ही बस एक तरीके की करंट अफेयर सुनते हैं बस जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग ये किताब खरीद सकते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर केरला के अंदर जो अभी रिसेंटली मुद्दा निकल कर आया उसके बारे में, जो मैंने बताया था कि मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों को अलग से ज्यादा स्कॉलरशिप दे दी गई है, तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन बताया जा रहा है। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये एक तरीका सपोर्ट है उस कम्युनिटी के लिए जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में अप टू द मार्क नहीं है। तो आप लोगों को ये भी बताऊंगा कौन कौन सी माइनॉरिटी है हमारे देश में, तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमारे देश में माइनॉरिटी में कौन कौन सी कम्युनिटी आती है। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो उनका नाम आप लोग लिखिए, देखता हूं कौन कौन से आंसर देता है। फिर से ये आर्टिकल आया यहाँ पर पॉलिटिक्स के बारे में, बाई इलेक्शन के बारे में, कल ही मैंने डिस्कस किया था बाई इलेक्शन क्या होते हैं, ठीक है, बताइए हमारे देश में इनको बेसिकली बाई इलेक्शन बोला जाता है या फिर क्या बोला जाता है हमारे देश में, ठीक है, इनको मतलब किस नाम से पुकारा जाता है। और अगर एक पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है दो सीट से अगर इलेक्शन लड़कर आता है तो कौन सा आर्टिकल है संविधान में ये बोलता है कि एक सीट तुमको खाली करनी पड़ेगी, तो इसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। कौन सा एक्ट होता है जो यहाँ पर बाई इलेक्शन कंडक्ट कराता है, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों से तीन, कल के लेक्चर में ही मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, देखता हूँ किस चीज को याद है, बताइएगा। जो फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कल फिर इनके आंसर भी आप लोगों को मिल जाएंगे, ओके। और ये डेटा पॉइंट है पुलिस के रिफॉर्म के बारे में, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो काफी प्यारा रहेगा ये तो एडिटोरियल है, इसके बाद में फिर न्यूज जर्नलिस्ट वाला देखेंगे जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था। तो अच्छे से लेक्चर को सुनिएगा, वीडियो के एंड तक काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है, ठीक है। सबसे पहले यहां पर इसी के बारे में आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूं। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा जैसे कोई त्यौहार आता है, होली, दिवाली, दशहरा, ईद या फिर कोई भी त्यौहार क्यों नहीं आता है, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पुलिस के ऊपर बर्डन जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभी हमारी कंट्री में साउथ इंडिया में जो स्टेट है जिसका नाम है तमिलनाडु, तमिलनाडु के द्वारा एक काफी अच्छा स्टेप उठाया गया है। ये स्टेप क्या है कि वीक में एक दिन छुट्टी मिलेगी पुलिस को। नॉर्मली मैक्सिमम एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा छुट्टी नहीं मिलती है, कई बार तो 24 आवर की जो भी है बेसिकली पुलिस की मानी जाती है अगर कहीं कुछ उल्टी सीधी हरकतें हो जाती हैं। तो अभी यहां पर उसी के चलते बोला गया कि कई सारे जो पुलिस वाले जो है फ्रस्ट्रेट रहते हैं अपने परिवार के साथ में, ना तो होली, दीपावली, दशहरा, ईद कोई भी सेलिब्रेट कर पाता है, उसी के साथ में छुट्टी भी नहीं मिल पाती, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पाते हैं, तो उसके ऊपर एक सर्वे कंडक्ट कराया गया। तो सर्वे के हिसाब से बोले तो 80% जो फोर्स है वो लगभग 8 घंटे से ज्यादा जॉब करती है। नॉर्मली ये माना जाता है कि एक दिन में 8 घंटे जॉब कर सकते हैं, ठीक है, तो ये 8 घंटे से ज्यादा जॉब आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस जो रहती है वो भी डिक्रीज होती है। और इसी के साथ में अगर आप लोग यहां पर बात करेंगे तो एक इफिशियंसी जब डिक्रीज होती है तो उसी तरीके से फिर लो एंड ऑर्डर की जो कंडीशन है वो भी खराब होती नजर आएगी। इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि तमिलनाडु के द्वारा ये डिसीजन लिया गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉमन सेंस की बात हो गई यार, आप लोग नॉर्मली समझ सकते हैं। जैसे संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे 7वें शेड्यूल के अंदर तो 3 लिस्ट यहां पर रखी हुई है, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सब्जेक्ट है यहां पर ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो रटना नहीं है कुछ भी, कॉमन सेंस है यार, कॉमन सेंस एग्जाम में साथ में रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के वैसे ही सही हो जाएंगे, ओके। अब यहां पर ये पुलिस रिफॉर्म के बारे में कुछ पूछ ले तो कुछ कुछ बातें मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। सबसे पहले तो वीकली ऑफ, यानी कि जो वीक है पूरा जो 7 दिन का उसमें कम से कम 1 दिन ऑफ होना चाहिए, तो यहां पर बोला गया कि नो ऑफ डे, यानी कि 51% के द्वारा ये बोला गया कोई ऑफ डे है ही नहीं है, 26% के द्वारा बोला गया एक ऑफ डे है, और यहां पर 2 ऑफ डे और मोर भी कई बार देखने को मिलते हैं, ओनली 4% के द्वारा बोला गया है, और नो रेस्पॉन्स 19 के द्वारा कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दिया गया है। इसी के साथ में अगर 8 घंटे से ज्यादा भी जॉब देखने को मिलती है 13% के द्वारा बोला गया है, 37% के द्वारा लोगों के द्वारा ये बोला गया कि 9 से 12 घंटे की जॉब रहती है, 20% ये बोल रहे हैं 13 से 16 घंटे की जॉब रहती है, और 24% लोग ये बोल रहे हैं कि 14 घंटे से भी ज्यादा जॉब रहती है, यानी कि 16 घंटे से भी ज्यादा है, और 6% ने ये बोला कि भाई जो कर रहे हो कर लो, हमसे मत पूछो क्या चल रहा है, बस चल रहा है। उन्हें होता है कि जो चल रहा है चल रहे, तो जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। पुअर जो वर्क लाइफ बैलेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि होलीडे में भी यहां पर बेसिकली क्या रहता है, ड्यूटी पर रहना पड़ता है, ठीक है, तो कोई होलीडे नहीं रहता है। इसी के साथ में अपने जो रिलेटिव है टाउन में ही अगर है तो उनके पास भी विजिट नहीं कर पाते हैं, और इसी के साथ में जो रिलीजियस और जो भी पिलग्रिमेज है, ठीक है, कहीं घूमने जाना है तो उसमें भी नहीं जा पाते हैं, ओके। ओवरऑल अगर आप लोग देखेंगे तो वर्क का जो बर्डन है, वर्क जो लोड है वो काफी डिफिकल्ट जॉब बताई जाती है, मेन के द्वारा भी, वुमेन के द्वारा भी, कोई कांस्टेबल है, ठीक है, हर एक लेवल के द्वारा ये बातें बताई जा रही है। नेक्स्ट यहां पर बोला जा रहा है कि
नॉट एबल टू, एक तरीके से अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, तो नॉट एबल टू डेविएट एनफ टाइम टू फैमिली, ठीक है, परिवार को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। और इसी के साथ में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये बोली गई है कि ये फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट करता है, यानी कि आप लोगों को मैक्सिमम पुलिस वाले देखने को मिलेंगे बहुत कम है, सिंघम टाइप में एक सही बॉडी बनाकर रखते हैं, मैक्सिमम आप लोगों को बेसिकली लोगों की तोंद निकली हुई दिखेगी, ठीक है। तो रीजन ये नहीं है कि मेहनत नहीं करते हैं, रीजन ये भी है कि टाइम भी नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो दोनों ही चीजें हो जाती है, कुछ अपनी लापरवाही और कुछ टाइम, तो दोनों के बीच में बैलेंस जो है वो इंसान नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से पुलिस की जो हेल्थ है वो काफी ज्यादा डिटेरियोरेटेड होती जा रही है। तो बोला जा रहा है कि जो कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो रही है इसको भी इंप्रूव थोड़ा करना चाहिए, ठीक है। तो अगर कुछ पुलिस रिफॉर्म के बारे में लिखने के लिए आ जाता है तो इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा, एक प्यारा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछूंगा, आप लोगों के भी आसपास में कोई ना कोई पुलिस वाला होगा, ठीक है, जिस भी कैटेगरी में हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में बात करिए, चाहे वो नोमा पुलिस के बारे में बात करिए, तो आप लोग देखोगे तो आप लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में, आप लोग क्या राय रखते हैं, ठीक है। अगर करप्शन के बारे में पूछे तो आप लोग की क्या राय है, ठीक है। अगर ड्यूटी को फॉलो करने के बारे में पूछे आप लोग की क्या राय है, तो आप लोग भी एक छोटा सा एक सर्वे नीचे कंडक्ट करा सकते हैं इस बेस पर कि करप्शन के बारे में बोले तो ड्यूटी को कैसे फॉलो करते हैं, टाइमली सारी चीजें देखने को मिलती है, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करते हैं। तो ये बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होने के नाते आप लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है, तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो ये एक डेटा पॉइंट का मुद्दा हो गया यहाँ पर, जो कि इंपॉर्टेंट था, मुझे लगा पुलिस रिफॉर्म के बारे में कुछ आए तो ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी से लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं यार ये, आप लोग आसानी से इनको एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं, ओके, तो याद रखिएगा। दूसरा जो यहां पर ये मुद्दा है, ये बेसिकली डिक्शनरी वाला मुद्दा, डिक्शनरी लेकर बैठना, किताब का नाम है 3P या फिर पी क्यूब भी आप लोग बोल सकते हैं, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे, प्राइड, प्रिजुडिस और पंडेट्री, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, गौरव, पूर्ण धारणा और वर्गीकरण, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। पंडेट्री का मतलब होता है कि एक्सप्रेशन एक्सपर्टीज इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो द एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सपर्टीज इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसको बोलते हैं पंडेट्री, ठीक है। तो आप लोग की तीन वोकैबुलरी तैयार करवा दी, देख लो, ठीक है, किताब के नाम से ही तीन वोकैबुलरी तैयार होगी आप लोग की। तो शशि थरूर जी की जो वोकैबुलरी है काफी खतरनाक मानी जाती है, ये जब बोलने बैठते हैं तो लोग जो है डिक्शनरी खोल लेते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इनके द्वारा ये जो किताब लिखी गई है, इसी किताब के बारे में ये आर्टिकल भी लिखा गया है, और ये आर्टिकल भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में नॉर्मली क्या बता रहे हैं, एक ओवरव्यू दे देता हूं, वैसे तो किताब है ये, तो पूरी किताब का एक ओवरव्यू बताने की कोशिश की गई है। तो इनके द्वारा जो नेहरू जी के द्वारा हमारी कंट्री में पॉलिटिक्स स्टार्ट की गई थी, वो एक सॉफ्ट लेवल की पॉलिटिक्स थी। सॉफ्ट पावर आप लोगों ने सुना होगा ना, जो फर्स्ट टाइम लेक्चर सुन रहे हैं या फिर जिन्होंने भी पढ़ाई स्टार्ट की है वो नहीं जानते होंगे। सॉफ्ट पावर ये होता है किसी कंट्री के साथ में अपने रिलेशन को या किसी इंसान के साथ में अपने रिलेशन को अच्छे बनाकर रखना, ठीक है। किस बेस पर, एक तरीके से अपील हो गया या फिर एक तरीके से अट्रैक्शन हो गया, जैसे नहीं हम लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान के साथ में रिलेशन अच्छे बनाने हैं तो हम लोग क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, अपना ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने लोगों का कॉन्टैक्ट बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये सॉफ्ट पावर होती है। वरना हम लोग हाई पावर क्या करते हैं, फिर आप लोग मिलिट्री अपने डिफेंस के रिलेशन यूज करते हैं, तो वो एक हार्ड पावर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो सॉफ्ट पावर होता है कल्चर के पॉइंट ऑफ से, लोगों के इंटरेक्शन के पॉइंट ऑफ से, एक दूसरे के साथ में अपील कनेक्ट के पॉइंट ऑफ से, ट्रेड के पॉइंट ऑफ से रिलेशन को अच्छे करना। तो मैक्सिमम जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो पावर यूज की जाती थी वो सॉफ्ट पावर हुआ करती थी। तो अभी यहां पर इनके द्वारा यही बोला गया कि देखिए जो हमारी टावरिंग फिगर है, एक तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर कोई भी आंसर आप लोग लिखते हैं कहीं पर भी, किसी भी फ्रीडम फाइटर को आप लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मली ये माना जाता है कि हम लोगों की उतना लेवल नहीं है या हम लोगों की उतनी ओधा नहीं है कि हम लोग उनको क्रिटिसाइज कर सके जिन्होंने हमको आजादी की सांस दिलाई है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को जब तक यूपीएससी क्लियर नहीं हो जाते हैं ये चीजें आप लोगों को गांठ बांध के रखनी है। उसके बाद में आप लोगों को जिसको जो बोलना है बोलते रहिएगा, वो आप लोगों का परसेप्शन है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। पर लेकिन हाँ, जब तक एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक, खासकर जिसको लगता है गांधी जी अच्छे नहीं है, जवाहरलाल नेहरू जी अच्छे नहीं है, किसी को लगता है भीमराव अंबेडकर जी अच्छे नहीं है, मतलब जो भी परसेप्शन आप लोगों का लगता है, आधों को ये लगता है एक तरीके से, कईयों को तो ये भी लगता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अच्छे नहीं है, ठीक है। तो जिसका भी जो भी परसेप्शन है किसी भी फ्रीडम फाइटर के बारे में, ठीक है, आप लोगों को अपना परसेप्शन अपने पास में रखना है, ना तो वो आंसर राइटिंग में झलकना चाहिए, ना ही आप लोगों को इंटरव्यू में झलकना चाहिए, वरना एग्जामिनर जो है वो आप लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी यहां पर बात करते हैं इस आर्टिकल के बारे में, तो बताया ये गया कि देखिए जब देश आजाद हो रहा था उस टाइम पर अगर आप लोग देखो तो काफी बड़ा टफ काम था अपने देश को एक सही पैटर्न में लेकर चलने का। तो काफी सॉफ्ट पावर यूज की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कंट्री के साथ में रिलेशन बढ़ाने के लिए, चाहे देश के अंदर बात कर लीजिए, सारी कम्युनिटी को साथ में लेकर चलने के लिए। पर कहीं ना कहीं वो जो चीजें हैं अपने सेक्युलरिज्म को दिखाने के लिए कि हमारा देश जो है वो धर्म निरपेक्ष है, वो चीजें कहीं ना कहीं फेड होती, एक तरीके से फेड अप होती नजर आ रही है, खत्म होती नजर आ रही है, ठीक है। हालांकि बात करें, अगर ये बात करें तो यूनिटी, डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस के मामले में वाजपेयी जी के द्वारा भी जवाहरलाल नेहरू जी को काफी ज्यादा एक तरीके से नहीं बढ़ाई की गई थी, पर लेकिन प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है इनके द्वारा कि ये गवर्नमेंट जो है वो एक अलग ही पैटर्न में चल रही है। तो इसी के चलते देखेगी कई सारे लोग जो है, कोई गांधी जी को अच्छा मानते हैं, कोई नेहरू जी को, कोई अंबेडकर जी को, कोई पटेल जी को, तो सबको अलग अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है।
अगर बात करें तो इस तरीके से पैटर्न को हम लोग को लेकर चल रहे हैं कि हर एक फ्रीडम फाइटर की अपनी एक खुद की लेगेसी है, तो उसको हम लोग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनको कभी भी कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ये अलग तरीका हो गया कंपेयर करने का कि हाँ हम लोग उनको कंपेयर कर रहे हैं। हर एक का अपना एक जोनर था उस टाइम पर जब अंग्रेज हमारे ऊपर इस तरीके से मतलब कंट्रोल किए हुए थे, वो उस टाइम पर अपने देश को आजाद कराने के लिए लगे हुए थे, तो उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये किताब का नाम याद रखेगा, अगर खरीदनी हो तो लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, खरीद लेना जिसको अपनी वोकैबुलरी ठीक करनी है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जो आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात आर्टिकल से पहले, जो भी मैं आप लोगों को डेली क्वेश्चन देता हूं उनको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। कल मैंने आप लोगों को पद्म अवार्ड की जो सारे पद्म अवार्ड जो भी रिसेंटली मिले हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और सारे जो भी अवार्ड अभी मिले हैं उनकी लिस्ट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई है, ठीक है। तो अगर आप लोग जिस राज्य से आते हैं उस राज्य में किसी को मिला है तो आप लोग जरूर याद रखेगा। कोई ऐसा पर्सनैलिटी है जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल है उसके बारे में याद रखेगा, नेशनल लेवल पर काफी ज्यादा न्यूज़ में पर्सनैलिटी है उसके बारे में याद रखेगा। सारे रटने की जरूरत नहीं है, इतने सारे अवार्ड होते हैं, ठीक है। तो कभी सारे रटने बैठ जाओ, कभी नहीं कर पाओगे। और आंसर राइटिंग के लिए आप लोग ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर लगभग 54,000 के करीब यहां पर मेंबर जुड़े हुए हैं। तो डेली क्वेश्चन पोस्ट करता हूं यहां पर दो, तो उनको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो ये देखिएगा, और जिस ने पेपर दिया है था 2020 का उसके आंसर की आ गई है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, ये भी आप लोग देख लेना कि यहां क्या क्या मुद्दे हैं, तो इसको आप लोग समझ लेना, ठीक है, कि कैसे आप लोगों को अपने एग्जाम को लेकर चलना है, ओके। तो एक मैंने यहाँ पर आप लोगों से पूछा था मॉर्निंग में किस टाइम पर उठते हैं, तो इसको भी आप लोग एक बार को एक मतलब एक तरीके से वोट इसमें कीजिएगा। तो देखता हूँ क्या क्या आप लोगों को उठने का पैटर्न है, ठीक है। तो बाकी तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग बेसिकली सारी चीजें यहाँ प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। तो आंसर राइटिंग के लिए फिर इन चीजों के लिए इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अब इंडिया और पाकिस्तान के मुद्दे के बारे में काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नेक्स्ट, इसके ऊपर मैं नजर डालता हूं, तो ढंग से सुनिएगा इसको। देखिए होता क्या है, जब जब इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो खराब होते हैं तब तब यहां पर उल्टी सीधी हरकतें होनी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जो बाउंड्री के ऊपर आप लोगों को सीज फायर के वॉयलेशन देखने को मिलेंगे, एक दूसरे के मछुआरे को पकड़ते हुए यहां पर नजर आएंगे, और भी उल्टे सीधे कटाक्स जो है इंटरनेशनल लेवल पर कसते हुए नजर आएंगे, ठीक है, एक दूसरे की इमेज करते हुए नजर आएंगे। वैसे वर्ड एक दूसरे यूज कर रहा हूं पर लेकिन एक दूसरे है नहीं, यहां पर एक ही साइड से मैक्सिमम सारे काम होते हैं और वह पाकिस्तान की साइड से, ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बॉर्डर बेस आप लोगों से बन जाता है, हमारा देश कितने सारे कंट्री को टच करता है, तो 7 टोटल कंट्री है जिनके बारे में याद रखिएगा। सबसे बड़ा बॉर्डर किसका टच करता है, तो यह है बांग्लादेश का, यह 4097 किलोमीटर बॉर्डर, ठीक है, अगर देखिए तो याद रखिएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा है यहां पर बेसिकली चाइना का, ठीक है, चाइना के बारे में बात करिए तो लगभग 3488 किलोमीटर के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा टच करता है यह है पाकिस्तान के साथ में, ठीक है, तो यह है 3323 किलोमीटर। तो ये बेसिकली मुद्दा है जिसके बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो पाकिस्तान में गुजरात को टच करता है, इसी के साथ में यहां पर जो हमारा राजस्थान टच करता है, ठीक है, यहां पर यह कौन सा राज्य बताइए जरा, ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन तो आप लोगों का हो ही गया। तो टोटल मिलाकर 3323 किलोमीटर का बॉर्डर यहां पर टच करता है। तो ये जो पर्टिकुलर मुद्दा है गुजरात वाला, इसके ऊपर पूरा खेल अभी खेला जा रहा है। ये खेल क्या है इसके बारे में अभी आप लोगों को समझाऊंगा। अभी रिसेंटली मुद्दा क्या हुआ है वो समझ लेते हैं। पहले हमारी कंट्री के जो फिशरमैन है उनके ऊपर गोली चलाएगी पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्स या फिर एजेंसी के द्वारा, जिसको पीएमएसए बोलते हैं, ठीक है, पीएमएसए, ठीक है, यह है पाकिस्तान जो मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, इसके द्वारा गोली चलाई गई। एक फिशरमैन की डेथ भी होगी और कईयों को यहां पर इनके द्वारा पकड़ भी लिया गया, एक जान बचाकर अपनी आया। तो स्टोरी जानने को मिली कि क्या कंडीशन यहां पर देखने को मिली। कई बार पाकिस्तान क्या करता है, काफी ज्यादा हार्ड हैंड से यहां पर बेसिकली चीजों को टैकल करता है। देखिए यहां पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कई सारे इशू आप लोगों को देखने को मिलेंगे बाउंड्री को लेकर। अभी एक इशू के बारे में बात करूंगा जो गुजरात से रिलेटेड है, पर लेकिन पहले यह समझिए कि हमारी जेल में कितने पाकिस्तानी मछुआरे और पाकिस्तान में कितने हमारे मछुआरे हैं। तो अगर बात करें तो नेशनल फिश जो वर्कर फोरम है उसके द्वारा माने तो हमारे देश के 558 के करीब इंडियन जो फिशरमैन है पाकिस्तान की जेल में है, जबकि 74 पाकिस्तानी है वो इंडियन प्रिजनर में है। यानी कि हम फिर भी थोड़ा सा हल्के हाथ से चीजों को हैंडल करते हैं, इतना टफ तरीके से नहीं लेते हैं। अगर बात करें तो लगभग यहां पर 1200 के करीब जो फिशिंग वेसल है, यानी कि आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के पास में वोट भी नहीं बनाई जा रही उनके द्वारा, जो बोट होती है ना हमारे जो बेसिकली बेचारे मछुआरों की, उनकी बोट भी वो रख लेते हैं, वो भी रिटर्न नहीं करते हैं। अब पता नहीं इमरान खान क्या करते होंगे उनकी वोट, मतलब उनको देते ही नहीं, अपने मछुआरों को देते होंगे, लो तुम भी क्या याद रखो कि समीर से पाला पड़ा है, ये नाव अब तुम यूज करो, तो वो कंडीशन देखने को मिलती होगी। तो उसी के चलते यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा बनता है कि यहां पर बेसिकली जो मछुआरे होते हैं, अब एक गरीब मछुआरा है बेचारा, उसने अपनी ले देकर कोई नाव बनाई,
तो वो नाव जो है उसकी हथियारी पाकिस्तान ने, तो फिर सोचे इसको वो नाव बनाने में कितनी जद्दोजहद लगेगी, तो उसकी रोजी रोटी होती है, पर लेकिन पाकिस्तान उनको रिटर्न करता ही नहीं है, तो ये काफी बड़ा मुद्दा निकल कर आता है। ठीक है, अभी अगर आप लोगों से बात की जाए यहां पर कि आखिर मुद्दा क्या है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, तो कुछ पुराना भी डेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि दोनों की जेल में कौन कौन अभी यहां पर बंद है, तो ये ज्यादा रटने वाली बात नहीं है, तो ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसको मत देखिए, इशू क्या है वो समझ लेते हैं। अभी अगर बात करें तो गुजरात साइड में पाकिस्तान के साथ में जो बॉर्डर टच करता है वहां पर एक पर्टिकुलर एरिया जिसको सर क्रीक बोलते हैं, और ये कहां पर है, ये कच्छ के अंदर में है। अभी लोकेशन आप लोगों को दिखाऊंगा, तो बेचारे हमारी कंट्री के जो फिशरमैन जो मछुआरे हैं वो सीधे साधे उनको बॉर्डर का पता नहीं रहता है, तो बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते हैं। तो यह सर क्रीक जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है, तो सर क्रीक एक साइड में रेड दिख रही है, दूसरी साइड में ग्रीन दिख रही है, तो रेड और ग्रीन क्या है उसको हम लोग समझेंगे, ये बेसिकली इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं, तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये जो ग्रीन लाइन है और ये आप लोगों को रेड लाइन देखने को मिल रही है, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। तो यहां पर कोरी क्रीक भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हमारा कच्छ वाला रीजन हो गया और ये हो गया सिंध वाला रीजन। तो याद रखिएगा सिंध और कच्छ को कनेक्ट करने के बीच में है यहां पर सर क्रीक। ठीक है, तो इंटरनेशनल ये बाउंड्री इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलेगी, और यहां पर हो गया अरेबियन सी। आप लोगों को अगर बोलूं किस एरिया के बारे में बात करें, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर एरिया, तो मैप में जरूर देखा करो, लंबे समय तक याद रख पाओगे। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, अब सर क्रीक जो है यहां पर बेसिकली एक तरीके से डिवाइड जो की गई है, पाकिस्तान उसको अलग तरीके से देखता है और इंडिया उसको अलग तरीके से देखता है। बेसिकली सर क्रीक की जो ग्रीन लाइन है पाकिस्तान बोलता है ये है बाउंड्री, यानी कि यहां तक का हमारा एरिया है, तो ये आप लोगों को मानना पड़ेगा। इंडिया बोलता है ये रेड वाला हमारा एरिया है, यहां तक आप लोगों को मानना पड़ेगा, तो ये रीजन जो है यहां पर डिस्प्यूटेड रीजन यहां पर आ जाता है। ठीक है, पर लेकिन अगर इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से माने तो इंडिया जो है वो बिल्कुल सही है, पाकिस्तान फालतू की बातें यहां पर करता है। वो कैसे मैं आप लोगों को समझा देता हूं, फिर आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। अगर बात करें यहां पर, तो एक पर्टिकुलर एक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं यहां पर थालवेग प्रिंसिपल। थालवेग प्रिंसिपल बेसिकली क्या बोलते हैं, थालवेग प्रिंसिपल ये बोलता है अगर किसी भी कंट्री के बीच में कोई रिवर है, नेचुरल रिवर, और वो एज ए बाउंड्री का काम करती है, तो फिर उसके मिड में से आप लोग उसको नापिएगा, उसको बेसिकली थालवेग बोलते हैं। तो थालवेग प्रिंसिपल ये बोलता है कि एक तरीके से वो जो नेचुरल जो बाउंड्री है, ठीक है, दो कंट्री के बीच में, एंटिटी के बीच में, वाटरवेज जो एक तरीके से कोई उसका डिस्क्रिप्शन अगर नहीं है, तो उसके मिड में से आप लोग को बेसिकली उसको नापना है, जहां से भी वो जा रही है उसके मिड में से आप लोग नाप लीजिए, दोनों की बाउंड्री हो जाएगी। तो इंडिया की जो ये रेड लाइन है, इंडिया की ये रेड लाइन है वो मिड वाली लाइन है, यानी कि इंटरनेशनल रूल के हिसाब से इंडिया ये रेड लाइन को मानता है जो कि बीच में से जा रही है, तो इंडिया बोलता है ये बॉर्डर है, पर पाकिस्तान बोलता है नहीं मैं तो इसको बॉर्डर मानूंगा। वो ये कि बिना फालतू में बस लड़ाई करनी है, उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से कि और कुछ नहीं तो चलो लड़ ही लेते हैं, कुछ तो जानने को मिलेगा कि चल क्या रहा है दुनिया में। तो ये है, तो बेसिकली उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से कई सारे लोग देखा होगा कि सर में जू चल रही है, खुजा हो रही है, तो चलो लड़ लेते हैं चल के, तो वही वाली बात है। तो सर क्रीक जो है 96 किलोमीटर आप लोगों को देखने को मिलती है, लगभग 60 माइल के करीब, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और याद रखिएगा ये इंडस रिवर से निकल कर आता है और यहां पर ये डेल्टा बनाती है इस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, यानी कि यहां पर डेल्टा बनता है। ओके, जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो डेल्टा बनाती है बेओ बंगाल में, उसी तरीके से इसको ओरिजिनली बैन गंगा के नाम से जानते थे। ठीक है, तो बैन गंगा का नाम चेंज कर दिया, अंग्रेजों को पसंद नहीं आया, उनसे बोला नहीं गया, जो भी था उनके द्वारा इसको सर क्रीक कर दिया। ठीक है, तो तब से सर क्रीक बोलते हैं। तो सर क्रीक जो है यहां पर, ये मैंने बता दिया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री वाला इशू, और इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है काफी, ये प्रिंसिपल को फॉलो करने की बात करते हैं, तो डायरेक्ट भी आप लोगों से पूछ लेगी थालवेग प्रिंसिपल क्या है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो थालवेग प्रिंसिपल, सर क्रीक या फिर पहले किस नाम से जानते थे, तो छोटे छोटे पॉइंट है यार, ये आप लोगों से कई बार बन जाते हैं, तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी देखिए अगर ये इशू चलते हैं तो इनका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है दोनों कंट्री के बीच में, तो लिखने के लिए आ जाए तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। सबसे पहला यहां पर है कि एक्ट ऑफ इनोसेंस, अगर फिशरमैन बेचारे सीधे साधे, उनको क्या पता कहां पर क्या बाउंड्री है, बेचारे कर जाते हैं क्रॉस, तो उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। इसकी वजह से एक इंपैक्ट निकल के आता है कि इंपैक्ट ऑन लाइवलीहुड, अगर फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, तो फिर उनकी बोट भी पकड़ ली, अब सोचिए उनको छोड़ भी दिया तो फिर उनको सर्वाइव करने में दिक्कत हो जाती है, एक गरीब तबका है सोसाइटी, तो कैसे उनके बारे में बात करेंगे, तो ये सोचने वाला मुद्दा हो गया। दूसरा, बर्डन ऑन वुमेन, अगर घर में एक कमाने वाला एक इंसान है, उसको पकड़ लिया, तो अब महिला के ऊपर पूरा बर्डन आ गया, अब वो उसको कैसे झेलती है, मतलब घर भी चलाना है, ऊपर से कमा कर भी लाना है बाहर से, तो ये काफी बड़ी टफ बात हो जाती है। वरना दोनों मिलकर काम करेंगे, तुम घर संभालो हम कमा कर लेकर आते हैं, तो वो एक बैलेंस बना रहता है, या फिर मर्द जो है वो घर संभाले और महिला कमा कर लेकर आए, तो एक ही बात है। जैसे का और की मूवी आप लोगों ने देखी होगी, देखिए का और की मूवी, उसमें वो बिल्कुल दिखाया गया है, वो एक डिफरेंट पैटर्न की मूवी लगी मुझे, अच्छी मूवी थी। किसी का अगर इंटरेस्ट है होम मेकिंग में, तो उसमें क्या दिक्कत है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अलाउ कर देना चाहिए, पर लेकिन सोसाइटी जो है इसको गलत तरीके देखती है, इसकी ना वाइफ कमा के लेके आती है ना घर में काम करता है, तो वो वाला मुद्दा जो है बड़ा ही टफ है। आज की डेट में ना सबसे बड़ी एक औरत की दुश्मन औरत होती है, मानो या ना मानो, आप लोग बुरा मत मानना, पर लेकिन सत्य है अगर देखोगे। ठीक है, मर्द तो बेचारे फालतू में एक तरीके से बदनाम कर रखे सबसे ज्यादा टांग जो होती है एक औरत की, एक औरत खींचती है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा क्रिटिसिज्म के मामले में जब बातें करते हैं।
अगर मैं गलत हूं तो आप लोग बता सकते हैं, बाकी आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है। इंपैक्ट ऑन द चिल्ड्रन, कई बार बच्चों के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ जाता है, ठीक है, और गलत तरीके से, मतलब ना मजाक मजाक में जो बातें बोल देता हूं, अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी, ठीक है, ऐसा कुछ मेरा मतलब नहीं होता है कि आप लोगों को ठेस पहुंचाना, ठीक है। अगर बात करें यहां पर तो इंपैक्ट ऑन चिल्ड्रन, तो बच्चों पर काफी इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि बच्चों का बचपन छिन जाता है। अगर बच्चों के पापा जो है पकड़ लिए गए वहां पर और पता चला वापस भी नहीं आ रहे, तो बच्चों को कई बार अपनी पढ़ाई छोड़कर काम में भी लगना पड़ जाता है, तो बचपना खत्म हो जाता है और चाइल्ड लेबर के भी शिकार बन जाते हैं। संविधान में कौन सा आर्टिकल है चाइल्ड लेबर को रोकने के बारे में बात करता है, बताइए जरा। इमोशनल डिस्ट्रेस फैमिली को काफी ज्यादा देखने को मिलता है, ये भी पता नहीं रहता है कि आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, जिंदा है कि या कुछ हो गया। पाकिस्तान की जेल में मैक्सिमम ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कुलभूषण जाधव का ये केस आप लोग देख लीजिए, क्या क्या हरकतें चल रही हैं उनकी, तो ऐसी चीजें चलती रहती हैं। वॉयलेशन देखने को मिलता है काफी ज्यादा ह्यूमन राइट का, मतलब अपने ही जेल में अपने ही कैदी से दूसरे कैदी को मरवा देते हैं, तो ये हरकतें देखने को मिलती है। इसके चलते काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है, कई बार जो है कोर्ट छोड़ देता है पर वो छोड़ने के लिए उसको तैयार नहीं रहते हैं अरेस्ट किए गए पर्सन को, तो ऐसी भी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे इशू यहां पर निकल कर आते हैं, तो इसको भी कई बार बोलते हैं कि इसको थोड़ा सा टैकल करना चाहिए, पर नहीं हो पाता है, क्या करें, मुद्दा कुछ ऐसा है, ओके। आगे बात करें, एड्रेस किया गया क्या इस इशू को, जी हां, ट्राई किया गया कई बार, और इंडिया तो आगे भी निकल कर आया पर पाकिस्तान नहीं आता है। 2008 में इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा एक जुडिशियल कमेटी बनाएगी, जिसके द्वारा बोला गया कि कंट्री के बीच में एड्रेस करेंगे जो इश्यूज हैं उनको, उसमें जो विजिट किया गया यहां पर प्रिजनर के एक दूसरे ही कंट्री में, और जो भी चीजें उसको एग्जामिन किया गया, उसके चलते क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या हेल्थ है वहां पर, उसको देखेंगे। तो यूनैनिमसली सजेस्ट किया गया रिलीज करने के लिए, रिपैट्रिएट करने के लिए फिशरमैन को, ठीक है। ए फ्यू वुमेन प्रिजनर भी हैं, कई सारी वहां पर महिला भी जो जेल में हैं, तो उनको छोड़ने के लिए बोला गया। गवर्नमेंट दोनों कंट्री की एक दूसरे के काम को प्रेज किया गया, ठीक है, पर लेकिन जो कंडीशन है उसको एक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। 2013 में अब लास्ट मीटिंग हुई थी, अब आप लोग समझ सकते हैं जुडिशियल कमेटी जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, भूल गए होंगे बेचारे कि उनका काम भी क्या है, अभी हम 2021 में आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल 8 साल पूरे यहां पर होने वाले हैं, और अभी इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए गए थे 4 मेंबर इस कमेटी के लिए, पर पाकिस्तान ने नॉमिनेट ही नहीं किया, पाकिस्तान कह रहा है कि जो तुमको करना है कर लो, हम तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बातें हैं, तो ऐसी ऐसी हरकतें देखने को मिलती है, ठीक है। तो फिशरमैन के इशू के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में कुछ आप लोगों को लिखने के लिए आए, तो फिशरमैन का इशू भी एक डायमेंशन ऐड आप लोग कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं। आंसर राइटिंग के लिए जो क्वेश्चन देता हूं उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए, ये आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाता है और फेसबुक पर भी मिल जाता है। कई सारे बच्चे बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हैं, बहुत प्यारा आंसर लिख रहे हैं, देखिए कोई मां के पेट से सीख के नहीं आता है, ट्राई करो, सीखोगे, गलत लिखोगे फिर सीखोगे, गिरोगे, तभी तो साइकिल चलानी सीखता है, तभी इंसान तैरना सीखता है, अगर इस तरीके से नहीं चलोगे तो कैसे काम चलेगा। तो अपने आप को थोड़ा सा सख्त लोंडा बनाना है, ठीक है, और जो लड़की है वो सख्त लोंडिया बनाना है, ठीक है, तभी जाकर काम चलेगा, ओके। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत प्यारा, ध्यान से सुनिएगा, इस यहां से ऐसे क्वेश्चन आप लोग कई बार बन जाते हैं, कोई कंफ्यूजन होगा तो बता देना, ठीक है। ऐसे आर्टिकल कई बार आप लोगों से पूछ लिए आते हैं। देखिए हमारे संविधान में अगर बात करें तो आप लोगों को रिजर्वेशन के बारे में कुछ मुद्दे रखे गए हैं, और रिजर्वेशन जो बोला गया था संविधान में बोला गया था सोशल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए देना है, इकोनॉमिकली नहीं है, याद रखना, गलत बोला मैंने यहां पर जानबूझकर, ये सोशली और एजुकेशनली है, ठीक है, ना कि इकोनॉमिकली। तो एजुकेशन के बारे में मेंशन किया गया है, पर लेकिन रिसेंटली अभी संविधान में जो संशोधन किया गया है जिसमें 10% यहां पर रिजर्वेशन दिया गया है, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ऐड किया गया है। तो ये एक बड़ा ही एक डिफरेंट पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि अब तक हमारे संविधान में नहीं था। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहां पर, पहले आप लोग समझिए, बात की जा रही है केरला के बारे में। केरला हमारी कंट्री में साउथ इंडिया में एक राज्य देखने को मिलेगा, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु का बॉर्डर टच करता है। अगर बात करूं पुदुचेरी के बारे में, तो याद रखना केरला के अंदर एक महे पुदुचेरी का डिस्ट्रिक्ट भी है, बाकी के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है आंध्र प्रदेश के अंदर यनम, और 2 है पुदुचेरी और कराईकल, ये तमिलनाडु के अंदर। तो टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट में से 1 डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर, 1 आंध्र प्रदेश और 2 तमिलनाडु के अंदर है पुदुचेरी का। तो जो यहां पर केरला के बारे में अगर मुद्दे करूं यहां पर बात, तो यहां पर इससे पहले आप लोग ये समझिए कि हमारे देश में माइनॉरिटी कितनी कितनी है, ठीक है। ये मैं डेटा आप लोग को बता रहा हूं 2011 के सेंसस के हिसाब से। हमारे देश में हिंदुइज्म जो है, यानी कि लगभग 80% के करीब हिंदू कम्युनिटी है, इस्लाम जो है लगभग 14% के करीब है, हालांकि अभी फिलहाल ये बढ़कर बोला जा रहा है 17-18 के करीब हो चुका है, क्योंकि अभी सेंसस नया आने वाला है ना 2000 लगभग आप लोग 21 में जो नया सेंसस की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्रिश्चियनिटी भी यहाँ पर थोड़ी बहुत बढ़ रही है, तो यहाँ पर 2.3% है। सिखिज्म जो है यहाँ पर वो 1.7%, बुद्धिज्म, ये अभी पुराना डेटा है, पर लेकिन फिलहाल के सेंसस के हिसाब से आप लोग इसी को मानिए, क्योंकि जब तक नया सेंसस नहीं आ जाता है तब तक इसी को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये 2011 के सेंसस की बातें मैंने आप लोग को बता दी, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके बारे में, ये बेसिकली मुद्दे आप लोग याद रखिएगा। तो
इसके चलते अगर आप लोग चीजों को देखते हैं तो यहां पर अभी क्या किया गया है, ये मुद्दा क्या है पहले ये समझिए। केरला गवर्नमेंट के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया कि 80% जो यहां पर स्कॉलरशिप है, जो टोटल स्कॉलरशिप जो माइनॉरिटी के लिए जाती है, यानी कि जो 6 माइनॉरिटी है हमारे देश में, याद रखना 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी हमारे देश में, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, जैन, यहां पर सिखिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया और जैन हो गया, एक और कम्युनिटी यहां पर, ये 5 के तो नाम आप लोगों को यहां पर दिख गए, ठीक है, बाकी की यहां पर अदर में बोल दिया है, पर लेकिन एक और है यहां पर, ठीक है, उसका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, एक और कम्युनिटी का नाम है, टोटल 6 है, उसका नाम आप लोगों को बताना है, क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। और रिसेंटली अभी 2014 में आई थिंक यहां पर जैन को अभी माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया था, ठीक है। अगर बात करें तो 80% जो भी यहां पर माइनॉरिटी के लिए जो स्कॉलरशिप आती है स्टूडेंट के लिए, तो वो यहां पर दे दी गई है बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी को, 20% दे दी गई है यहां पर लैटिन और कैथोलिक को, ठीक है, जो कि कन्वर्ट हुए यहां पर बेसिकली उनको, ओके। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट, एक छोटी सी इनके द्वारा बात स्टोरी स्टार्टिंग में बताई गई है। मान लीजिए आप एक टीचर के पास में जाते हैं, यानी कि टीचर ऐसे नहीं बोली, ऐसे सुनिए इसको, एक पर्टिकुलर क्लास है, उस क्लास में 3 कैटेगरी के बच्चे हैं। कैटेगरी ए जो है वो काफी होशियार बच्चे हैं, जैसे कि आप लोगों, कैटेगरी बी जो है वो थोड़े से मतलब कमजोर बच्चे हैं, कैटेगरी सी जो है वो थोड़े से और कमजोर बच्चे हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर कोई एक टीचर पर्टिकुलर पढ़ा रहा है यहां पर, ठीक है, एक क्लास में, उसने देखा यार क्लास तो काफी ज्यादा डिवाइडेड है, एक से एक साइड में तो हाई क्लास बच्चे हैं, बेसिकली हाई प्रोफाइल, उनको तो एकदम जो बता दो समझ लेते हैं, दूसरी साइड में थोड़े से कमजोर बच्चे हैं और तीसरी साइड में थोड़े से और कमजोर बच्चे हैं, तो टीचर ने क्या किया, इन बच्चों को बेसिकली हटाया, यानी कि नॉर्मल क्लास तो इन बच्चों के लिए सबके लिए लगाई, पर लेकिन इन बच्चों को जो है थोड़ा सा 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दिया, इन बच्चों को 2 घंटे एक्स्ट्रा दे दिए, ताकि सबको इक्वल स्टेटस पर लाकर हम लोग खड़ा कर दें। तो क्या टीचर ने ये डिस्क्रिमिनेशन किया है, तो क्या टीचर ने ये गलती की है, टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, टीचर ने कोई गड़बड़ कर दी है, तो ये वाला उदाहरण देकर आर्टिकल स्टार्ट किया गया है। आप लोगों को क्या लगता है, टीचर ने गलत किया या फिर सही, मतलब राइट किया या फिर रॉन्ग किया, तो आप लोग बताइए आप लोगों को क्या लगता है, राइट या फिर रॉन्ग, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, टीचर ने सही किया या फिर गलत किया, इसका आप लोग आंसर दीजिए, फिर मैं आप लोगों को पूरा आर्टिकल डिटेल में बताता हूं, तभी आप लोग पूरा आर्टिकल और अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये तो बेसिकली उदाहरण देकर इसने समझाया था। अब मेन मुद्दा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, इस मुद्दे को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके ऊपर आप लोगों से अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो मेन मुद्दा क्या है यहां पर, अभी मेन मुद्दा है कि जब माइनॉरिटी को यहां पर इनके द्वारा बेसिकली जो माइनॉरिटी के लिए डिस्ट्रीब्यूट किए गए यहां पर ये जो स्कॉलरशिप है उसको जब आप लोग देखते हैं, तो मेन मुद्दा ये निकल कर आया कि ये कंट्रोवर्सी का इशू बन गया। वो कंट्रोवर्सी का इशू क्यों बना, वो इसलिए बना कंट्रोवर्सी का